था। जैसे मनुष्य के जब कोई कांटा चुभ जाता है तब वह दूसरे कांटे से उस कांटे को निकालकर दोनों ही कांटे फेंक देता है, उसी प्रकार भगवान ने श्री कृष्ण अवतार यदुवंश में लिया और धरती पर बढ़ते हुए पापों को नियंत्रित करने के लिए दुष्टों का संहार करके यादव कुल को भी नष्ट प्राय ही कर दिया। जैसे ही भगवान ने पृथ्वी माता पर पनप रहे दुष्टों का संहार करके अपने गोलोक धाम को वापस जाने का निर्णय लिया, देह त्याग दी, उसी क्षण विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आ गया। प्रजा में तेजी से फैलती हुई विकृतियों जैसे लालच, असत्य, धोखा देना और खून खराबे आदि को देख युधिष्ठिर ने गृहस्थ आश्रम से मुक्त होकर सन्यास लेने का निर्णय लिया। उन्होंने महलों की चकाचौंध, शरीर के बेशकीमती वस्त्र और आभूषण एक क्षण में त्याग दिए।